हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और न्यू वीडियो में। आज के इस वीडियो में WBBL का जो चौथा मुकाबला खेला जाएगा उसके बारे में हम बात करेंगे कि कौन से प्लेयर को आपको स्मॉल लीग में ट्राई करके चलना है एंड कौन से प्लेयर को आपको GL में ट्राई करके चलना है। सब कुछ इस वीडियो में प्रॉपर डिस्कस करेंगे ताकि जब आप स्मॉल लीग में टीम क्रिएट करोगे तो आपको कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं होगा और इस मैच में एक बेटर टीम क्रिएट करके आप जा सकते हो। देखो इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले पिच रिपोर्ट बताएंगे कि होबार्ट के ग्राउंड पर पहले बैटिंग करने वाली टीम ने कितने मैचेस जीते एंड सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने कितने मैचेस जीते, बाकी कितना एवरेज स्कोर है इस वेन्यू पर और लास्ट के चार मैच में कैसा क्या स्कोर काट रहा है सब आपको दिखाऊंगा। बाकी प्लेयर्स के लास्ट के पांच मैच में कैसा रिकॉर्ड है उसके बेस पे हम उनको स्मॉल लीग में या फिर GL में ट्राई कर सकते हैं। बाकी हेड टू हेड में कैसा रिकॉर्ड है, वेन्यू पर कैसा रिकॉर्ड है और सबसे इंपॉर्टेंट जो GL खेलते हैं उनके लिए कि प्लेयर्स पहली इनिंग में कैसा प्रदर्शन कर रखा है कि सेकंड इनिंग में कैसा प्रदर्शन कर रखा है। कि देखो कई ऐसे प्लेयर होते हैं जो पहली इनिंग में तो अच्छा करते हैं बट सेकंड इनिंग में फ्लॉप रहते हैं और कई ऐसे भी होते हैं जो सेकंड इनिंग में अच्छा करते हैं तो पहली इनिंग में फ्लॉप रहते हैं। तो ऐसे प्लेयर्स को आप GL में ट्राई करके चलना, डेफिनेटली आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं मैच कब खेला जाएगा। तो 28 अक्टूबर को मंडे को 12:40 में यह मैच खेला जाएगा बेलराइव ओवल होबार्ट में। बाकी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन कर रखा है, ज्वाइन कर लेना। देखो लास्ट मिनट के जो सारे चेंजेस रहते हैं लाइक प्लेइंग 11 में चेंजेस, बैटिंग ऑर्डर में चेंजेस, पिच रिपोर्ट में चेंजेस, अगर ये सारे चेंजेस आपको अवॉइड करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, अगर वहां पर ज्वाइन हो तो आपको पता चल जाएगा कि ये पहला मैच है। एक तो एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 में आपको बता रहा हूं, रिकॉर्ड आपको तो लास्ट के कैसा क्या प्रदर्शन उसके बेस पे बता रहा हूं। अगर कोई नया प्लेयर खेलता है तो मैं वहीं पर आपको अपडेट कर देता हूं, उनका स्टैट्स भी शेयर कर देता हूं ताकि आपको उस प्लेयर्स के बारे में प्रॉपर नॉलेज हो और अपने टीम में अगर रिस्क लेना चाहते हो तो उस प्लेयर पे आप रिस्क ले सकते हो। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं अपने टेलीग्राम चैनल का, जाकर एक बार चेकआउट कर सकते हो। तो बात कर लेते हैं पिच रिपोर्ट का। तो होबार्ट के ग्राउंड पर यह मैच खेला जाएगा जहां टोटल 38 मुकाबले खेले गए, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 16 मुकाबले और सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने 20 मुकाबले जीते हैं। अगर स्कोरिंग पैटर्न का बात किया जाए तो 150 के नीचे आपको मैक्सिमम 26 बार स्कोर बने और 150 से 169 के बीच में 10 बार और 170 से 189 के बीच में एक बार और 190 के पार आपको एक बार स्कोर बनाए। देखो अगर ओवरऑल देखा जाए तो 90% आपको 150 के नीचे स्कोर रहता है, बट ये टूर्नामेंट का पहला मैच है इस ग्राउंड पर तो आप 160 170 प्लस रन एक्सपेक्ट करके इस मैच में चले जाना। बाकी एवरेज स्कोर 138 रन का है और पेसर और स्पिनर्स में बात किया जाए तो पेसर्स ने 56 विकेट और स्पिनर्स ने 57 विकेट पिक कर रखे, मतलब यहाँ 50-50 का बात है कि 50% विकेट आपको पेसर्स पिक करते हैं और 50% विकेट आपको स्पिनर्स पिक करते हैं। तो देखो जो क्वालिटी बॉलर होंगे उनको हम अपने टीम में रोटेट करके चलेंगे, चाहे वो पेसर हो चाहे वो स्पिनर हो। बाकी अगर लास्ट के चार मैचेस का रिकॉर्ड देखा जाए तो होबार्ट और मेलबर्न रेनिगेट्स का लास्ट मुकाबला खेला गया था यहाँ पर, जहां पर होबार्ट की टीम 212 रन स्कोर किए थे 3 विकेट खोकर, मेलबर्न की टीम कोलैप्स कर गई थी और 119 रन पे ऑल आउट हो गई थी, जिसमें पेसर्स ने 2 और 7 और स्पिनर्स ने 1 और 3 विकेट पिक किए थे। वहीं से पिछला मुकाबला होबार्ट और सिडनी के बीच में खेला गया था जिसमें से होबार्ट की टीम 139 रन 8 विकेट खोकर मतलब 20 ओवर में बनाए थे और सिडनी की टीम 140 रन 7 विकेट खोकर 20 ओवर में इस टारगेट को चेस कर लिया था, जिसमें पेसर्स ने 4 और 4 और स्पिनर्स ने 3 और 3 विकेट पिक किए थे। वहीं से पिछला मुकाबला होबार्ट हरिकेन्स और ब्रिस्बेन हिट के बीच में खेला गया था, जिसमें होबार्ट हरिकेन्स की टीम ने 120 रन 8 विकेट खोकर 20 ओवर में बनाए थे और ब्रिस्बेन हिट की टीम 124 रन 4 विकेट खोकर 17.4 ओवर में इस टारगेट को चेस कर लिया था, जिसमें पेसर्स ने 2 और। देखो अगर बात किया जाए यहाँ पर पेसर्स ने 5 और 1 मैंने आपको बता दिया, बाकी मेलबर्न स्टार और लास्ट फोर्थ मुकाबला खेला गया इनका और होबार्ट हरिकेन्स के साथ। देखो मेलबर्न स्टार की टीम 142 रन स्कोर किए थे और होबार्ट की टीम 143 रन 4 विकेट खोकर इस मैच को जीत लिया था, जिसमें पेसर्स ने 3 और 4 और स्पिनर्स ने 5 और 2 विकेट पिक किए थे। देखो अगर ओवरऑल देखा जाए तो रन स्कोर यहां पर होते हैं, अगर क्वालिटी बैट्समैन अच्छे खेलते हैं तो अच्छे खासे रन स्कोर कर सकते हैं और पेसर और स्पिनर्स में यहां पर स्पिनर्स का थोड़ा ज्यादा ही दबदबा हमें लास्ट के चार मैचेस में देखने को मिला है इन कंपेरिजन ऑफ पेसर्स, बट ये नहीं कि आपको पेसर्स को ट्राई नहीं करना है, पेसर्स भी काफी अच्छा कर रहे हैं तो पेसर्स को भी आप रोटेट करके जा सकते हो। बाकी बात करते हैं लास्ट के 10 मुकाबले की, तो होबार्ट हरिकेन्स की टीम ने 4 मुकाबले जीते हैं और सिडनी थंडर की टीम ने 6 मुकाबले जीते हैं, और अगर रिसेंट की बात किया जाए तो यहां से 5 में से 4 मुकाबले सिडनी थंडर की टीम हार कर आ रही है और होबार्ट की टीम 4 5 में से 3 मुकाबले
जीत करा रही है। तो इस मैच में अगर मेरी मानो तो होबार्ट को बैकअप देके जा सकते हो, बाकी सिडनी थंडर के पास भी क्वालिटी प्लेयर है, तो दोनों टीम्स के पास एक अच्छी लाइनअप है, तो आप किसी भी टीम को बैक करके जा सकते हो इस मैच में। बात करते हैं होबार्ट हरिकेन्स के प्लेइंग 11 की, तो लीजा ली, उसके बाद डैनी वेट, एलिस बेलानी, निकोला केरी, हैदर ग्राम, क्लोए ट्रोएन, रथ जॉनसन, मोली स्ट्रैनो, एमी स्मिथ, लॉरेन स्मिथ और जोए कुक, ये हो सकते हैं होबार्ट हरिकेन्स के प्रोबेबल प्लेइंग 11 जो कि इस मैच में खेल सकते हैं। स्टार्टिंग ओवर आपको हैदर ग्राम, मोली स्ट्रैनो और जोए कुक, और डेथ में आपको निकोला केरी, हैदर ग्राम और एमी स्मिथ आपको डेथ में गेंदबाजी करते हुए दिख जाएंगे। बात करते हैं अब होबार्ट हरिकेन्स के प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस की और किनको आपको स्मॉल लीग में ट्राई करना है, तो ली जल्दी देखो इनको आप बाय डिफॉल्ट ट्राई करके चलना। इनके अगर लास्ट के 5 मैच में परफॉर्मेंस देखा जाए तो एक सेंचुरी, एक हाफ सेंचुरी और मैक्सिमम टाइम अटैकिंग पारी खेलती है, हेड टू हेड में भी अच्छा एवरेज और वेन्यू पर भी अच्छा एवरेज, तो इनको हम अपने टीम में बाय डिफॉल्ट ट्राई करके चलेंगे। डैनी वेट का भी बात किया जाए तो 90% सिलेक्शन है और इस मतलब लीग में अच्छा खासा करती भी है, और मे बी इस मैच में आपको ये टॉप ऑर्डर बल्लेबाजी करते हुए देखें क्योंकि जो इनके अदर बैटर है सूजी बेट्स वो अवेलेबल नहीं है, तो डैनी वेट ओपनिंग कर सकती है और एलाइस वेलिनी आपको नंबर 3 पर बल्लेबाजी करेंगी। डैनी वेट को हम अपनी टीम में बाय डिफॉल्ट रोटेट करके चलेंगे, काफी अच्छे रन स्कोर करती है और इनको अच्छा खासा मतलब एक्सपीरियंस भी है खेलने का। बाकी एलिस बेलानी देखो लास्ट सीजन कप्तानी भी कहते हैं और कोई खास प्रदर्शन इनके तरफ से देखने को मिला नहीं था, तो एलिस बेलानी को इस मैच में मैं अपने टीम में नहीं ट्राई करूंगा। निकोला कैरी के बाद के जो तो 5+1, 77, 21+1 और 18+0, इन्होंने हेड टू हेड में 8 मैच में 10 और वेन्यू पर 18 मैच में 13 विकेट पिक कर रखे हैं। देखो अगर इनका सिलेक्शन परसेंटेज देखा जाए तो काफी कम है, अपने टीम में निकोला कैरी को बाय डिफॉल्ट ट्राई करके चलूंगा। बाकी हैदर ग्राम भी आपके टीम के सबसे डिफॉल्ट ऑप्शन होने चाहिए और वाइस कैप्टनसी के लिए भी एक बेहतरीन ऑप्शन, तो हैदर ग्राम को वाइस कैप्टनसी इस मैच में आप देके जा सकते हो। क्लोए ट्रोएन का बात किया जाए तो ये भी एक डिफॉल्ट चॉइस आपके लिए रहने चाहिए, बैटिंग प्लस 4 ओवर की गेंदबाजी आपको करके जाली जाएंगी इस मैच में। बाकी रथ जॉनसन इनको आप जीएल में ट्राई कर लेना, देखो 1% सिलेक्शन है बट ये कभी कभार ओपनिंग भी करती है अगर इनके ओपनर अवेलेबल नहीं रहते हैं तो, बट अभी नंबर 7 पर बैटिंग कर रही है और बॉलिंग का श्योरिटी नहीं है तो इनको हम जीएल में रोटेट करके चलेंगे। मोली स्ट्रैनो की बात करें तो इन्होंने 3, 2, 3 ऐसे विकेट पिक करे और मोली स्ट्रैनो हर सीजन में आपको बढ़िया प्रदर्शन करती है, तो इनको हम अपने टीम में बाय डिफॉल्ट ट्राई करके चलेंगे। बाकी एमी स्मिथ और लॉरेन स्मिथ उतनी अच्छी चॉइस नहीं लग रही है, इन दोनों को आप जीएल में रोटेट करके चलना, क्वालिटी बॉलर है, मैक्सिमम टाइम विकेट निकाल कर जाते हैं, बट मैं अपने टीम में अभी के लिए इनको ट्राई नहीं कर रहा हूं। जोए कुक को तो बाय डिफॉल्ट जीएल में ही ट्राई करके चलना। बाकी बेंच पे देखो कैथरीन ब्राइस, सूजी बेट्स और एस सिल्वर होम रहेंगे, अगर कोई खेलता है तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। देखो इधर से ओपनिंग में लीजा ली को और डैनी वेट को दोनों को स्मॉल लीग में बाय डिफॉल्ट ट्राई करना, एलिस बिलानी को जीएल में, निकोला केरी स्मॉल लीग में बाय डिफॉल्ट, हैदर ग्राम स्मॉल लीग में बाय डिफॉल्ट, क्लोए ट्रोएन स्मॉल लीग में बाय डिफॉल्ट, रथ जॉनसन को जीएल में ट्राई करके चलना, मोली स्ट्रैनो स्मॉल लीग में बाय डिफॉल्ट, एमी स्मिथ और लॉरेन स्मिथ जीएल में ट्राई करके चलना, और जोए कुक को बाय डिफॉल्ट स्मॉल लीग में ट्राई कर सकते हो। बाकी दोस्तों अभी तक आपने माई ग्राउंड ऐप को डाउनलोड नहीं कर रखा है तो डाउनलोड कर लेना, क्योंकि देखो यहाँ पर आपको हर एक मैच में एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, लाइक फ्री गिवे मिल जाता है, 2 मिनट का एक्स्ट्रा डेडलाइन मिलता है जिसका आपको फायदा हर एक मैच में देखने को मिलेगा। मान लो अगर पहली ओवर में विकेट गिर जाता है तो आप यहाँ पर आके आराम से चेंजेस कर सकते हो, जिसकी वजह से कई बार आपको फायदा देखने को मिलेगा। बाकी मिनिमम विड्रॉल 100 रुपए, इंस्टेंट विड्रॉल अवेलेबल है और इन्वेस्टमेंट लीडर बोर्ड है, ज्यादा बड़ा ऐप है नहीं तो लिटल बिट इन्वेस्टमेंट से अच्छे खासे प्राइजेस जीत सकते हो, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं इस ऐप का, जाकर डाउनलोड कर सकते हो। बाकी चलो बात करते हैं सिडनी वुमेन्स की प्लेइंग 11 की, तो चमारिया टपट्टू, उसके बाद ताहिलिया विल्सम और फोबी लिचफील्ड, हैदर नाइट, जॉर्जिया वॉल, एनिका लियोड, टी पेस्कल, हाना डार्लिंगटन और समांता बेट, सबनम इस्मेल और सियाना ईब, ये हो सकते हैं सिडनी वुमेन्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11 जो कि इस मैच में खेल सकती है। स्टार्टिंग ओवर आपको सबनम इस्मेल, हाना डार्लिंगटन, चमारिया टपट्टू, सबनम इस्मेल और हैदर ग्राम और समांता बेट आपको जीएल में गेंदबाजी कराएंगी। बाकी बात करते हैं किनको हम स्मॉल लीग में ट्राई करना है, तो ताहिलिया विल्सम को तो आप बाय डिफॉल्ट ट्राई करके चलना, विकेट कीपिंग सेक्शन से अवेलेबल है, रन स्कोर कर रही है, बट हाँ कि ताहिलिया विल्सम और लीजा ली में से किसी एक को ही ट्राई करेंगे, तो मेरे हिसाब से आप लीजा ली को थोड़ा ज्यादा प्रेफरेंस देकर चलना इन कंपेरिजन ऑफ ताहिलिया विल्सम। हाँ चमारिया टपट्टू को स्मॉल लीग में कैप्टनसी बाय डिफॉल्ट दे देना, 4 ओवर की गेंदबाजी प्लस आपको ओपनिंग बल्लेबाजी करें तो कैप्टनसी का सबसे डिफॉल्ट ऑप्शन आपके पास यही रहेंगी। फोबी लिचफील्ड भी स्मॉल लीग में ट्राई कर लेना, देखो बैटिंग से काफी अच्छा करती है, हर एक सीजन इन्होंने परफॉर्मेंस किया है
तो लिचफील्ड को जीएल में कैप्टनसी आप रोटेट कर लेना और स्मॉल लीग में बाय डिफॉल्ट ट्राई करके जा सकते हो। हैदर नाइट देखो अगर आप ट्राई करना चाहते हो कर सकते हो, एक एक्सपीरियंस बल्लेबाज है जो मैक्सिमम टाइम आपको रन स्कोर करके जाती है, तो हैदर ग्राम को बाय डिफॉल्ट ट्राई कर लेना। उसके बाद जॉर्जिया वॉल भी एक अच्छी चॉइस रहेंगी, 70% सिलेक्शन है, देखो 2 से 3 ओवर की गेंदबाजी कर सकती है और नंबर 5 पे बल्लेबाजी करेगी, तो वॉल को थोड़ा ध्यान में रख के चलना। लियोर्ड को जीएल में ट्राई करके चलना, ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं। उसके बाद टी पेस्कल भी जीएल में, हाना डार्लिंगटन देखो इनका सिलेक्शन परसेंटेज काफी कम है, ये आपके लिए सबसे बड़ी ट्रम्प प्लेयर इस मैच में रह सकती है क्योंकि हर एक सीजन और हर एक मैच में बढ़िया प्रदर्शन करती है, इन्होंने लास्ट के 5 मैच में 6-7 विकेट पिक कर रखे। तो हाना डार्लिंगटन को जीएल स्मॉल लीग में तो बाय डिफॉल्ट ट्राई करना ही करना, और जीएल में हो सके तो कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी भी रोटेट करके जा सकते हो। ताकि समानता बेट्स देखो अगर हम ट्राई नहीं कर पा रहे इनको, बट ये एक बेहतरीन ऑप्शन रहेंगे, समानता बेट्स हर एक मैच में आपको विकेट निकालती है, ये और हाना डार्लिंगटन हर एक सीजन में सिडनी के लिए बढ़िया प्रदर्शन किया इन्होंने। बाकी स्मेल का बात किया जाए तो 2-2-1-4-3 हर एक मैच में 2+ विकेट पिक कर रखे, तो मे बी इनको मैं अपने टीम में बाय डिफॉल्ट ट्राई करके चलूंगा और हरा को और समानता को थोड़ा ड्रॉप करने का रिस्क ले सकता हूं मैं। बाकी सियाना ईव को जीएल में ट्राई करके चलना। बाकी बेंच पे ई बेरिस्कोप, जी एडम्स और सी मुरे खेलते हुए दिख सकते हैं। बाकी देखो किसको स्मॉल लीग में ट्राई करना, अगर ताहिला और लीजा ली में से किसी एक को आप ट्राई करना चाहते हो तो लीजा ली को चले जाना, और कहीं से अगर एक प्लेयर आप एडजस्ट कर ले रहे हो तो ताहिला विल्सन को आप ट्राई कर लेना। बाकी चमारिया टपट्टू बाय डिफॉल्ट, फोइबी लिच बाय डिफॉल्ट, हैदर नाइट को आप देखना आप ट्राई करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। बाकी जॉर्जिया बॉल स्मॉल लीग में ट्राई कर लेना, ए लियोलॉर्ड को जीएल में, टी पेस्कल जीएल में, हाना डार्लिंगटन स्मॉल लीग में एक ठीक ठाक चॉइस रहेंगे। उसके बाद समानता बेट सेकंड इनिंग में आप इनको बिल्कुल भी मिस मत करना, समनम इसमें एक अच्छी चॉइस रह सकती है और सियाना ये भी एक जीएल के लिए अच्छी चॉइस रहेंगी। बाकी देखो बात करते हैं कैप्टनसी के, तो चमारिया टपट्टू, हैदर ग्राम और क्लोएट्रोन ये तीनों ही बेहतरीन ऑप्शन रहेंगे, इन तीनों को आप अपनी टीम में ट्राई करके जा सकते हो। मैं चमारिया टपट्टू को कैप्टनसी डिफॉल्ट रहेंगी और हैदर ग्राम को वाइस कैप्टनसी आप करके जा सकते हो। बाकी बात करते हैं जीएल में किनको करना है, तो फोइबी लिचफील्ड, लीजा ली और निकोला कैरियो को हम जीएल में कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी देके चले जाएंगे। बाकी दोस्तों अभी तक आपने हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर लेना। देखो आने वाले टाइम में दिन में 5 से 6 मैचेस रहते हैं, तो हर एक मैच का वीडियो मैं यहाँ पर नहीं अपलोड कर पाता हूँ, इसकी वजह से मैंने एक सेकंड चैनल क्रिएट कर रखा है ताकि आपको हर एक मैच का वीडियो मिल जाए और हर एक प्लेयर्स के बारे में आपको प्रॉपर एनालाइज हो ताकि एक बेटर टीम आप क्रिएट कर सकते हो। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया रखा है, जाकर चेकआउट कर लेना। चलो बात करते हैं टीम का, तो मैं यहाँ से देखो लीजा ली को मैंने जैसे बताया इनको बाय डिफॉल्ट ट्राई करूंगा, मैंने हैदर नाइट को ट्राई कर रखा इन प्लेस ऑफ ताहिला विल्सन, हो सकता है मैं आफ्टर टॉस इनको ड्रॉप करके उनको ट्राई कर लूं। बाकी इन पर थोड़ा सा डाउट है मेरे को, डैनी वेट और फोइबी लिचफील्ड बाय डिफॉल्ट है। बाकी ऑलराउंडर से चमारिया टपट्टू, हैदर ग्राम और क्लोएट्रोन ये तीनों अच्छी चॉइस है, और जॉर्जिया वॉल और निकोला कैरी थोड़ा सा सिलेक्शन परसेंटेज कम है, बट ये आपको लास्ट सीजन ब्रिस्बेन हिट के लिए अच्छा किए थे और निकोला कैरी हमेशा से आपको बेहतरीन करते हुए दिखती है होबार्ट के लिए। बाकी सबनम और मोली स्टैनो को आप बाय डिफॉल्ट स्मॉल लीग में ट्राई कर सकते हो। कैप्टन से मैंने चमारिया टपट्टू को और वाइस कैप्टन से हैदर ग्राम को इस मैच में देके जा रहा हूँ। आप चाहो तो वाइस कैप्टन से किसी और को कर देना, बट कैप्टन से डिफॉल्ट चमारिया टपट्टू ही रहेंगी। तो ये अभी के लिए हमारी टीम है, फाइनल टीम के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। बाकी वीडियो को यहां तक देखने के लिए धन्यवाद।